बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में छात्र नेता मनीष ओझा के नेतृत्व में एक दर्जन छात्रों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से तिरंगा यात्रा निकालने का कार्यक्रम था, लेकिन धारा 144 का हवाला देते हुए कैंट इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय और उनकी टीम ने तिरंगा यात्रा में शामिल छात्रों को गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पर ही रोक लिया। छात्रों व पुलिसकर्मियों के बीच यात्रा निकालने को लेकर नोकझोंक हुई। कुछ छात्रों को कैंट पुलिस हिरासत में लेकर दीनदयाल उपाध्याय चौकी पर ले गई और तिरंगा यात्रा को समाप्त करवाया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता मनीष ओझा ने कहा, भारत माता के, 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 सोशल डिस्टेंसिंग का ही भारत माता का भारत माता के आगे सर परमिशन हम साहब कहते हैं एक हफ्ते पहले परमिशन देते नहीं है, वो कहते हैं आपके द्वारा धारा लगी हुई है, पता है सर उसमें हम कोई गलत काम नहीं है, अपराध है, इस तरह से चलना है। परमिशन नहीं मिला तो आप समझिए कि आप सरकार ने अनुमति नहीं दिया, अनुमति नहीं दिया तो क्या करें, कैसे करेंगे, तोड़ेंगे नियम को। मनीष ओझा छात्र नेता गोरखपुर विश्वविद्यालय। आज हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार से बेरोजगारी के विरोध में तिरंगा यात्रा निकाला गया है। जो लोन है वो लोन केवल संपन्न लोगों को दिया जाता है। अभी आम इंसान अगर जाए बैंक में तो इस पेपर फॉर्मेलिटी में मैनेजर साहब इतना फंसा देते हैं कि आम आदमी लोन नहीं ले पाता है। ये सरकार को चेतने की आवश्यकता है, जिसके संदर्भ में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं हम युवा साथी। और अगर ये हमारी मांग जो है बेरोजगारी की, अगर सरकार जल्द से जल्द चेत लेती तो ठीक है, अगर नहीं चेतेगी तो हम लोग इससे भी भयंकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।